एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फार्म आलोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीरेंज के पार्ट्स के बारे में और ये कितने टाइप्स के होते हैं, पूरी ब्रीफली जानकारी आज हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल यानी फार्म आलोक को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सिरिंज है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये ओपन कर ले रहे हैं हम पैकेट सिरिंज का। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक 5 ml की सिरिंज ली है। और चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं हमारे ये जो सिरिंज हैं इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले हम पार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। चलिए अब एक एक करके हम इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कंप्रेसर। और ये जो आगे जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रबर स्टॉपर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पार्ट देख रहे हैं, जो ये पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्लैच। आगे यहाँ से लगा के यहाँ तक के पार्ट को कहते हैं बैरल। इसी में आपका जो जो भी इंजेक्शन है यहाँ पे फिल किया जाता है किसी भी पेशेंट के इंसर्ट करने के लिए। ये जो आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग। इसके ऊपर ही देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी निडल कैप है। यहाँ से लगा के यहाँ तक के हिस्से को कहते हैं, पार्ट को कहते हैं निडल हब। आगे आपकी ये जो जो दिखाई दे रहा है, ये आप इसको हम निडल कहते हैं या तो फिर शाफ्ट कहते हैं। इसका जो तिरछा कटा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं बेवल। तो दोस्तों यही है पार्ट। एक बार फिर से रिमाइंडर करने के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि हमारा जो सबसे बैक वाला हिस्सा, सबसे पीछे वाला हिस्सा है, जिससे हम जो इंजेक्शन है वो पुश करते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेसर। आगे वाले हिस्से को ब्लैक ब्लैक जो आपको रबड़ सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रबड़ स्टॉपर। इस पार्ट को हम कहते हैं फ्लैज। ये हमारा यहाँ से लगा के यहाँ तक के हिस्से को कहते हैं बैरल। नंबरिंग जो हुई है उसको हम कहते हैं स्केलिंग। ये हमारा जहाँ से मतलब कि निडल आगे है, उससे पीछे वाले हिस्से को हम कहते हैं निडल हब। ये हमारी शाफ्ट या तो फिर निडल हो गई। ये जो तिरछा कटा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं बेवल। तो ये थे हमारे दोस्तों पार्ट्स सिरिंज के। अब हम जानते हैं कि जो हमारी सिरिंज है वो कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स में सबसे पहले हमारी आती है 1 ml सिरिंज। 1 ml सिरिंज का दूसरा नाम है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए, इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए, इंटरडर्मल या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए, और बच्चों के लिए भी इंजेक्शन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है 2 ml सिरिंज। 2 ml सिरिंज का दोस्तों मेनली जो यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ब्लड ब्लड सैंपल लेने के लिए, आईवी इंजेक्शन देने के लिए, आईएम इंजेक्शन देने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों आती है हमारी 3 ml सिरिंज। 3 ml सिरिंज का भी दोस्तों मेन काम जो है आईएम इंजेक्शन देने के लिए हो गया, आईवी इंजेक्शन मतलब कि वेन में इंजेक्शन देने के लिए और मांस में इंजेक्शन देने के लिए हो गया। इसके अलावा हम ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी तो ये सिरिंज का यूज़ हम करते हैं। फिर आती है दोस्तों हमारी 5 ml सिरिंज। 5 ml सिरिंज का भी दोस्तों जो यूज़ किया जाता है, वो या तो फिर आईवी इंजेक्शन देने के लिए हो गया, आईवी मतलब वेन में देने के लिए, मांस में देने के लिए, और हमारा ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी 10 ml सिरिंज। 10 ml सिरिंज का जो यूज़ है, वो हम ना ही आईवी के लिए यूज़ करते हैं, ना ही आईएम, ना ही हम मांस में देते हैं, ना ही हम किसी वेन में देते हैं। इसका यूज़ हम कैनुला के थ्रू यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी वीगो लगी होती है उसमें हम इंजेक्शन देने के लिए उसका यूज़ करते हैं सिरिंज का, 10 ml सिरिंज का। उसके बाद हमारी आती है 20 ml सिरिंज। 20 ml सिरिंज है, इसका भी यूज़ हम आईवी और आईएम देने के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज़ कैनुला में जो इंजेक्शन है उसको इंसर्ट करने के लिए इस सिरिंज का यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे सिरिंज होते हैं और इसके पार्ट्स कितने हैं, पूरी आपको जानकारी मिल गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आया है तो मेरे चैनल यानी फार्मालोग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।